हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीटेक एजुकेशन में। आज मैं आपके लाया नई वीडियो, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था सीटेट का, तो उसके आंसर की जारी हो गई है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, वो भी वीडियो के माध्यम से, वो भी सिंपल तरीके से। तो किस तरह का आप अपनी आंसर की डाउनलोड करते हैं वो आपको बताया जाएगा विस्तार में, किस तरह अपना आंसर की शीट निकाल सकते हो और आंसर की भी साथ में निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू कर दे वीडियो, ज्यादा लंबे ना करते हुए। जैसा आपकी ऑफिशियल साइट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये sarkarjet.com है, तो आपका आंसर कहाँ मिले आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस साइट पर आने का सिंपल क्या करना होगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, आपको दिखाई देगा नीचे आने के बाद ये सीटेट दिसंबर आंसर की। तो आज की डेट में ये आंसर की जारी हो गई है आपकी 23 दिसंबर में। तो किस तरह आपको डाउनलोड करके अपनी आंसर की निकालनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, जैसे आपके लोड होगा आपको नीचे स्क्रीन थोड़ा सा आना होगा, आपको नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा ये आंसर की डाउनलोड ओमार शीट। तो ओमार शीट जो आपकी डाउनलोड होगी यहाँ पर, वो क्लिक करके डाउनलोड होगी। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लिक करने से पहले आपको मैं बता दूँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप कर सकते हैं क्लिक के माध्यम से। तो पहले आप डाउनलोड के आंसर की डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये आपको सर्वर ऐसे एरर दे सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये फोन में या अपने कंप्यूटर में आपको रिफ्रेश करना होगा। जब भी आपको एरर दे आपको रिफ्रेश करना होगा, जब भी आपका ये पेज ओपन होगा ऐसे आपका एरर नहीं हटेगा। जैसे आपको बताया जा रहा है आपको रिफ्रेश करना होगा पेज, ये जब भी आपका ये एरर हट जाएगा। जैसे देखा आपके एरर हट चुका है ये, और आपको यहाँ करना क्या है, आपको ये अपना रोल नंबर डालना है और आपको ये अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। रोल नंबर आपको डालना है जो सी टेट में आपके एडमिट कार्ड में है, फर्स्ट सेकंड जो भी है दोनों आपका, वो यहाँ पर आपका अंदर ही मिल जाएगा। और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डाल फिल कर लेते हैं और फिर लॉगिन करेंगे। जैसे देख सकते हैं मैंने अपनी अपनी रोल नंबर डाल लिया और डेट ऑफ बर्थ डाल लिया, तो अब मैं लॉगिन करूँगा। आपको जैसे दिखाई दे रहा है लॉगिन करने के बाद, जैसे आपको दिखाई दे रहा है अंदर ये, आप अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपको यहाँ पर कोड दिखाई देगा और डाउनलोड आंसर की दिखाई देगी, और शायद में आपको जो पेपर वो मार्कशीट है आपकी जो दी थी आपने वो यहाँ पर आपकी दिखाई देगी। तो आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अपना। अगर आप फर्स्ट पेपर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, सेकंड पेपर आपको यहाँ सेकंड पे क्लिक करना होगा। अगर दोनों पेपर आपने दिए हैं तो दोनों भी आपके यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी। अरे आपने एक दिया या फर्स्ट दिया आपने सेकंड दिया, तो यहाँ पर सभी आपको आंसर की मिल जाएगी। तो डाउनलोड आंसर की यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, पेज ओपन होगा, नया आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। तो अब इसे ओपन करेंगे तो ये आपकी देख सकते हैं आपकी जो ये आंसर शीट डाउनलोड हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ होगा तो आपको करना क्या है, तो ये पेपर मैन जो आपका सेकंड पेपर हुआ था ई शिफ्ट सेट ई का और मैथ तो एस एस का, ये आपके यहाँ पर इसके आंसर दिए हुए हैं। थोड़ी इसके आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये सेट एच का दिया है, यहाँ पे सभी सेट दिए हुए हैं। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेट दिया और होगा, यहाँ पे एक सेट और दिया हुआ है सेट एच का सेकंड मैन सोशियोलॉजी का। तो यहाँ पे सभी आंसर्स के दिए हुए हैं, तो आप इसके आंसर की बारीकी से चेक कर सकते हैं कौन सा आपका पेपर था कौन सा आपका नहीं। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आगे देखेंगे तो आपके ये इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट सेट जी का, तो आपको सेट के अकॉर्डिंग आपका जो आपने पेपर दिया है, आपको पेपर देखेंगे अपना पहले, और देखने के बाद अपने आप सेट चेक करेंगे आपको कौन सा सेट में आपका पेपर था, ई था बी था सी था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश था हिंदी था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर की चेक कर लेंगे। ये चेक करने का आपको मैंने बता दिया, आपको पीछे आना है। ये आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड ओ मार्कशीट आपने जो भरी थी वो आपने दी थी वहाँ पर अपनी आंसर की, यहाँ पर चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको सर्वर ऐसे एरर देगा तो फिर आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अब जब भी आपका ये ओपन होगा, नहीं तो आपका ओपन नहीं होगा। जैसे आपको देख रखते हैं ये डाउनलोड फाइल इसकी आंसर की डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ओपन करके। देख सकते हैं आप जो आपने सीट भरी होगी आपको सीट ऐसे दिखाई देगी अपनी अपनी भरी हुई, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो आपने सीट भरी हुई थी उसका आंसर यहाँ पर चेक होंगे। तो बहुत ही आसानी से अपने आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये मैंने दो चीज़ आपको बता दी, तीसरी मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ आपको ऑब्जेक्शन के लिए। ऑब्जेक्शन कैसे करना है आपको, जो मेन साइट आपको दी है ये लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे,
आप डायरेक्टली इन पेजों पर डायरेक्टली जा सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जैसे आपको बताया जा रहा है वीडियो में, इसी माध्यम से आप आंसर की डाउनलोड करेंगे। मैं आपको ऑब्जेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। जैसे आप ऑब्जेक्शन है ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी डिस्प्ले ओपन होगी। तो आपकी डिस्प्ले पर ओपन क्या करना है, ये लिंक आपको डिस्प्ले में डायरेक्टली मिल जाएगा। इस पेज पर आने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना होगा, रोल नंबर डालने के बाद अपनी डेट बढ़ा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपकी डैशबोर्ड आपका आता है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, ये आपको रिफ्रेश करना है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। ये आपको एरर देगा हर बार उसमें, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ करना होगा क्लिक योर हेयर सबमिट चैलेंज। आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप तो नई इसकी डैशबोर्ड अपने अंदर ओपन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सिंपली करने क्या होगा, करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे आपको ऑप्शन नीचे इसके दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबमिट करने के चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्लिक करना होगा। तो इसकी नई डैशबोर्ड अपने अंदर ओपन होगी। यहाँ पर आने के बाद क्या करना होगा, आपको जो है क्वेश्चन कोई गलत आपका जो गलत है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन जो भी आपका। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये फिनिश चैलेंज सबमिशन करना होगा। तो जिस माध्यम से मैंने आपको बताया है, तो इस माध्यम से आपको अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते किसी पेपर में, जैसे आपको बताया गया। अगर दोस्तों में दी गई आपको जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहें। लिंक आपको सभी डायरेक्ट डिस्प्ले से मिल जाएंगे। ऐसे नई नई नोटिफिकेशन देने के लिए हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, डायरेक्ट इन पेज पर आने के लिए आ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।